नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ठोंडियाल सिस्टर्स में। देवभूमि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो शौर्य और बलिदान की एक गाथा है। जब यहाँ के वीर लड़ाई के लिए जाते हैं तो उनके हौसले बुलंद होते हैं। उत्तराखंड को वीरों की भूमि यूं ही नहीं कहा जाता। गढ़वाल व कुमाऊं की ऐसी वीरता की कई कहानियां आपको इतिहास के पन्नों में मिल जाएंगी। देश पर शहीद होने वाले उत्तराखंड के जवानों की वीरता की कहानी न सिर्फ उनके गांव बल्कि देश की हवाओं में गूंजती है। इनकी वीरता का लोहा तो दुश्मन भी मानते हैं, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध। हर युद्ध में यहाँ के जवानों ने अभिन्न साहस का परिचय दिया है। देश की सेना का हर सौवां सैनिक उत्तराखंड का है। किसी भी सेना का जिक्र होता है तो उसमें कम जनसंख्या घनत्व वाले उत्तराखंड का नाम गौरव से लिया जाता है। हर साल लगभग 9000 युवा सेना में शामिल होते हैं यहाँ से। अगर हम बात करते हैं वर्ष 1948 के समय से लेकर कारगिल युद्ध और इसके बाद आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान में उत्तराखंड के सैनिकों की, तो उनकी अहम भूमिका रही है। उत्तराखंड के युवा अंग्रेजी हुकूमत में भी पहली पसंद ही रहते थे। उत्तराखंड के 75 सैनिकों ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। आइए आज आपको एक ऐसे ही योद्धा की कहानी सुनाते हैं जिनका नाम है जसवंत सिंह रावत। वो जाबाज योद्धा जो आज भी जिंदा है दुनिया से जाने के बाद। 1962 के युद्ध में अकेले 300 सैनिक को मौत के घाट उतारने वाला उत्तराखंड के छोटे से जिले का ये जवान महज 20 साल का था। उसने अपने पराक्रम और साहस की ऐसी कहानी लिखी जिसके चलते दुश्मन चीन को भी उसकी तारीफ करनी पड़ी। शहीद होने के बाद भी जवान की आत्मा आज भी देश की रक्षा में जुटी हुई है। शहीद होने के बावजूद उनको नौकरी से 40 साल बाद रिटायर किया गया। राइफलमैन के तौर पर सेना में भर्ती होने वाला जवान मेजर बनकर रिटायर हुआ। आज भी वह अन्य सैनिकों के साथ देश की रक्षा में तैनात है। सन 1962 की बात है, भारत और चीन का युद्ध छिड़ा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के नूरांग पोस्ट पर गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे। यहाँ जसवंत सिंह अपने साथी तिलोक सिंह नेगी, जोगिंदर सिंह और गोपाल सिंह के साथ तैनात थे। 17 नवंबर की लड़ाई में जसवंत के सारे साथी शहीद हो गए। तब जसवंत ने गजब का साहस दिखाया। अकेले होते हुए लगातार 72 घंटे तक चीनी सेना का मुकाबला किया। चीनी सैनिकों को लगा कि भारतीय बंकरों में कई सैनिक हैं और हम पर गोली चला रहे हैं। इन 3 दिनों में उस जवान ने लगभग 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया। जब चीनियों को पता चला कि वह अकेला है और इतनी तबाही मचा रहा है तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने उसे घेर लिया, उसको मार के गला काट के अपने साथ ले गए। 1962 में भले भारत हार गया लेकिन उस अकेले साहसी पराक्रमी जवान ने चीन को हिला दिया। जब युद्ध थमा तो उस कमांडो ने उस शहीद जवान से प्रभावित होकर उसका सिर भारत को सम्मान सहित वापस कर दिया और बिना हिचकिचाहट जसवंत सिंह की खूब तारीफ की। उसके साहस के आगे दुश्मन भी झुक गया। जसवंत सिंह के सम्मान में यहाँ एक मंदिर बनाया गया। यह स्थान अब जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ उनसे जुड़ी हर चीज रखी हुई है।
उन्हें यहाँ पूजा जाता है। उन्हें बंकर बाबा या जसवंत बाबा कहते हैं। जसवंत को शहीद होने के बाद भी सेवानिवृत्त नहीं किया गया। उनको तभी रिटायर किया गया जब उनकी रिटायरमेंट का समय आया। उनको जीवित सैनिकों की तरह ही राइफलमैन से मेजर तक का पद दिया गया और 40 साल बाद रिटायर किया गया। जसवंत गढ़ से गुजरने वाला चाहे सैनिक हो या जनरल, सब उन्हें सैल्यूट करके आगे जाते हैं। जसवंत सिंह के लिए आज भी जूते पॉलिश करके रखे जाते हैं। उनके लिए कपड़े व 3 टाइम का भोजन परोसा जाता है। कहा जाता है वे आज भी वहां अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। दोस्तों, हमारा देश ऐसे कई साहसी वीरों से भरा पड़ा है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐसे सैनिकों को याद कर दिल प्रफुल्लित हो जाता है। हम ऐसे वीरों को दिल से सलाम करते हैं जो अपने देश और माटी के लिए समर्पित हैं। तो आइए सभी मिलकर बोलते हैं, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय वीर जवान।